नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस 19 नवंबर को प्रदेश की समस्त महाविद्यालयीन छात्राओं के लिए निशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस योजना प्रारंभ की गई और आज महाविद्यालयीन छात्राओं को निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जयंती के अवसर पर आज रीवा शहर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में आज रीवा में मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के द्वारा छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस मुहैया कराने की विशेष मुहिम चलाई गई, जिसके तहत आज पहले चरण में रीवा RTO द्वारा 188 छात्राओं को निःशुल्क लाइसेंस वितरण किया गया। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कमिश्नर अशोक भार्गव ने छात्राओं को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी और रीवा कमिश्नर के द्वारा सभी 188 छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस वितरित किए गए। निःशुल्क लाइसेंस पाकर छात्राओं में प्रसन्नता दिखी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा छात्राओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत प्रदेश भर में हजारों छात्राओं का लाइसेंस बनाया गया है। हमारे कॉलेज में शासकीय योजना के द्वारा लाइसेंस निःशुल्क लाइसेंस बनवाया जा रहा था, जिसमें हमने भी अप्लाई किया था और आज हमारा लाइसेंस मिल गया है और काफ़ी खुशी है इस बात की कि कहीं जाना नहीं पड़ा और कॉलेज और शासकीय द्वारा लाइसेंस प्राप्त हो गया। मध्य प्रदेश शासन की जो परिवहन नीति है एवं वचन क्रमांक का बिंदु 14.11, उसके अनुसार जो महाविद्यालय की छात्राएं हैं उनको निःशुल्क लाइसेंस उपलब्ध कराना है। शासन ये चाहती है कि कॉलेज की जो छात्राएं हैं उनको लाइसेंस में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना जाए, उनको इवन फीस भी ना लगे, फीस भी ना देनी पड़े। ये शासन की मेन मंशा है कि जिससे जो है छात्राएं अधिक से अधिक लाइसेंस प्राप्त करें और वाहन का संचालन करें लाइसेंस प्राप्त होने के उपरांत। आज का कार्यक्रम है लाइसेंस वितरण का, दिनांक 16 नवंबर को इन छात्राओं का आवेदन प्राप्त कर इनकी फ़ोटो खिंचवाई गई और आज दिनांक को इनका लाइसेंस वितरित किया जा रहा है, जो पूर्णतः निःशुल्क है। आज का जो फर्स्ट फेज में प्रथम चरण में 188 लाइसेंस अपन वितरित कर रहे हैं, 188। इस तरीके से हम जो है इसके उपरांत समय समय पर पृथक से कॉलेज प्रबंधन से चर्चा करके तिथि डेट डिसाइड करेंगे, उसमें लाइसेंस कैंप लगाए जाएंगे। आज पूरे प्रदेश में वितरण का कार्यक्रम रखा, शासन का ही आज का निर्देश था कि पूरे प्रदेश में 19 तारीख को एक कोई कॉलेज चुनना है और उसमें वितरण का कार्यक्रम रखना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है, इसलिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।